सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हियर आई एम रंजना राय। सो गाइस, राय के व्लॉग में आप लोग का दिल से स्वागत है। आज का वीडियो है बोरीवली के ऊपर। बोरीवली नेशनल पार्क में आई हूँ, बोरीवली के नेशनल पार्क। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है लेक बोरीवली का। तो चलो, मैं बोरीवली स्टेशन से मैं नेशनल पार्क कैसे आई, चलो पहले मैं आप लोग को ये बताती हूँ। सो ये गाइस, मैं आ गई बोरीवली रेलवे स्टेशन। ये है ईस्ट साइड, तो हम लोग को ईस्ट साइड उतर कर जाना है। यहाँ से आप लोग को ऑटो शेयरिंग भी मिल जाएगा, बट हमें ऑटो शेयरिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है 1.1 किलोमीटर का। यहाँ से आपको शेयरिंग अगर जाना है तो 15 रुपये पर पर्सन है, लेकिन अगर अगर आप लोग के पास टाइम है तो 10-15 मिनट निकाल सकते हो वॉकिंग के लिए। यहाँ पे 2 टिकट काउंटर है और ये मैं लेफ्ट साइड जा रही हूँ यहाँ पे टिकट काउंटर के पास। तो आप लोग को यहाँ पे चार्जेस वगैरह दिख जाएगा, कितना चार्जेस है एडल्ट का। तो मैंने टिकट ले लिया है अभी और मुझे 85 रुपीस पड़ा। तो अभी चलो चलते हैं। तो जैसे आप लोग यहाँ पे एंटर करेंगे, आप लोग को मैप देखने को मिल जाएगा। जस्ट सामने ही मैप लगा है, मतलब डायरेक्शन बताएगा कि कौन सा कहाँ पर प्लेस है। और हम लोग अभी जैसे मैं यहाँ से सीधा जाती हूँ, वहाँ पर चेकिंग काउंटर है, तो आप लोग टिकट प्लीज़ लेकर जाइए। और यहाँ पे जैसे मैं गई, मुझे टिकट मेरा चेक किया गया। प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक है क्या बैग में? नहीं, कपड़े नक्की बगा ना, कपड़े आए। एक मामले के बाद बड़ा मिल सके बाहर ये सब बेचने के पैसे नहीं, समझते नहीं ये सब देने का है। हम जाने दो ये जो आपने आंटी को देखा, ये यहाँ पर मैंगो मांग रही थी। कुछ बच्चे मैंगो तोड़ रहे थे। स्पेशली यहाँ पर जो लोग रहते हैं वही तोड़ सकते हैं, उनको अलाउड है, बाहर के लोगों को अलाउड नहीं है। आंटी ने पैसे भी दे रही थी, बट फिर भी वो अंकल बोले नहीं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और आप लोग को यहाँ पर ऐसे छोटे मोटे स्टॉल भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर नींबू पानी, खीरा,
और अभी मैं जा रही हूँ आप लोग को इस जगह पर लेकर जहाँ पर फैमिली कपल्स यहाँ पर मतलब इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही सुकून यहाँ पर मिलता है, बोटिंग भी कर सकते हैं। आप लोग को आगे मैं बोटिंग का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं बताऊँगी कि कितना चार्जेस पर पर्सन चाइल्ड सबका कितना लगता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब शानदार बोल सकते हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत प्लेस है यहाँ पर ये नेशनल पार्क का। मुझे ये पार्टी मुझे सिर्फ अच्छा लगता है। और जस्ट इसके अपोजिट साइड आप लोग को किड्स के लिए प्लेग्राउंड एरिया मिल जाएगा। और आपने पीछे वाले वीडियो में भी देखा कि वहाँ पे भी कुछ गार्डन वगैरह बना था, मीन्स झूला वगैरह लगा हुआ था। और तो अभी मैं जाने वाली हूँ, आप लोग को लेकर चलने वाली हूँ ये किड्स एरिया दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या क्या बच्चों के लिए है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एंट्रीज का। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों लोग के लिए जो कार्टून रहते हैं, जैसे ये मोगली हो गया, छोटा भीम में का कालिया हो गया, उसका पीछे घर भी है कालिया का, और ये चिटकी का सरी गायब है। और ये आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ कि ये किस कार्टून का घर है, मुझे तो मालूम है, आप लोग बताओ। और उसका गाड़ी भी यहाँ पर बनाया गया है, देख सकते हो आप राइट साइड में। और गाइस ये है पूरा इन्फॉर्मेशन कि पर पर्सन कितना प्राइस है वहाँ पर जाने के लिए, तो आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कितना है। और आप लोग हर जगह पे मतलब आप लोग को ये देखने को स्टॉल मिलेगा खाने पीने का, जो कि बहुत ही कम रेंज में मतलब अच्छा है, टेस्टी लगता है। यहाँ पर आप लोग भेल भी खा सकते हैं, बनाना भी अवेलेबल, फ्रूट्स भी अवेलेबल है, सब हेल्थ के लिए अच्छा फ्रूट्स है यहाँ पर, फूड वगैरह, नींबू पानी भी है। तो गाइस आप लोगों को पता है जब भारत के आज़ाद के बाद नेशनल पार्क का जो नाम है ना उसे चेंज करके संजय गांधी नेशनल पार्क रख दिया गया था, क्योंकि जो अपनी प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी जी, उनके बेटे के मेमोरी के लिए मीन्स उनको डेडिकेट किया गया था। और ये जो नेशनल पार्क है इसमें बहुत सारी जगह इंक्लूड है, जैसे कि मालाड हो गया, कांदीवली, दहीसर, भांडो, बोरीवली, वसई, थाने, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जो नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं। और गोरेगांव का स्टूडियो भी इससे जुड़ा हुआ है, साथ में आरे कॉलोनी भी इसमें इंक्लूड है। सो दिस वन इज़ अ सफारी बुकिंग ऑफिस। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ का भी टिकट मैं आपको लोग को बताऊँगी, यहाँ पे भी टिकट लेना पड़ेगा आप लोग को, जो कि इसका प्राइस 113 रुपया पर पर्सन है और चिल्ड्रन के लिए 45 रुपीज़ है। तो अगर आपको बजट में है तो आप लोग जाकर इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे हॉस्पिटल है और यहाँ पे सिर्फ जानवरों का इलाज किया जाता है। और ये जो आप लोग को बस दिख रहा है ये 30 सीटर है, मतलब 30 लोग एक टाइम पे बैठ सकते हैं। तो इसी गाड़ी से आप लोग को सफारी कराया जाता है, जंगल सफारी। तो चलो आगे का बताती हूँ वीडियो में और मैंने क्या क्या विज़िट किया। आगे कुछ भी नहीं है ना, ऐसा गार्डन ही है क्या? नहीं, यहाँ पे म्यूजियम है ना, दो है। कहाँ पे? आप यहाँ से सीधा जाओगे ना, हाँ, तो लेफ्ट मारना, लेफ्ट मारोगे तो वहाँ पे एक म्यूजियम है, उसके यहाँ पे ऐसे जाओगे नीचे उतर के तो वहाँ पे गार्डन है और कैट का ओरिएंटेशन है। अच्छा, तो वो दो म्यूजियम अच्छे है वहाँ पे। ऐसे वहाँ चार्जेस भी है क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं है। ऐसे राउंड में जाना, इधर से जाके ऐसे गोल घूम के इधर से जाना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। सो गाइस ये रास्ते में कोई मिल गए थे तो मैंने इन लोग से पूछा कि आगे कुछ है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे कुछ कैट ओरिएंटेशन हो रहा है और कुछ प्लांट का मतलब म्यूजियम टाइप में बना के रखे। तो चलो आप लोग को मैं लेकर चलती हूँ। और यहाँ पर जाने का रास्ता आप लोग जैसे सीधे ही जाकर लेफ्ट लेंगे तो आपको दिखने को मिल जाएगा वेलकम टू ऑर्चिडरी। तो मुझे तो प्लांट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है मेरे को, बट जिनको है तो वो तो देख ही सकते हैं। तो चलो मैं आप लोग को अंदर लेके चलती हूँ कि अंदर का व्यू कैसा है।
ये अंदर का नज़ारे देख सकते हैं, जो कि अंदर स्टैचू वगैरह बनाया गया है, मतलब इनके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। मैंने इसको टच करके भी देखा कि ये रियल है कि आर्टिफिशियल है, तो ये आर्टिफिशियल था। और यहाँ पे भी कुछ जंगल टाइप में बनाया गया है, देखिए। कमल का बनाया गया, ये रियल है बट इसको कवर करके रखा गया है, इसको अंदर साइड जाने को किसी को परमिशन नहीं है। मैं आज की कैट देखने, मुझे लगा कि यहाँ पे रियल कैट रहेंगे, जब मैं गई तो वही आर्टिफिशियल कैट्स वगैरह, लेपर्ड, टाइगर, सब वही बना के रखे थे। मुझे लगा कुछ तो रियल देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कुछ भी रियल नहीं है यार, कुछ प्लांट्स जो है, पौधे, वही रियल है। सो गाइस, आप लोग को यहाँ पर एक ही रियल चीज़ देखने को मिलेगा, एक नहीं मतलब है बहुत सारे ऐसे रियल्स, लेकिन एक है टाइगर सफारी, वही एक है मुझे लगा। और एक कमल का सरोवर दिखा मुझे, वो आर्टिफिशियल नहीं था, वो रियल था, बट उसको कवर करके रखे थे कांच से, उसको अलाउड नहीं था उसके अंदर जाना। मतलब यहाँ पर एज अ पिकनिक स्पॉट अच्छी प्लेस है। तो आप लोग को अगर एनिमल्स देखने हैं, रियल जू देखने हैं, जहाँ पर अपने बच्चों को लेकर मतलब के बच्चे एंटरटेन हो, तो उसके लिए सबसे अच्छा भाईखला का जू है, जो भाईकुला है, मतलब इंग्लिश में भाईकुला बोलते, उसको भाईखला बोलते। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कैसे जाए, तो मैं आई बटन पे वीडियो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिए। वो मतलब बहुत ही अच्छा जू है यार, मतलब वो 50 rupees एज अ पूरा जाइए, आप लोग को इन्फॉर्मेशन उसमें मिल जाएगा। देर डियर किधर है? डियर आत्मत ओके। सो फाइनली मैं डियर देखने जा रही हूँ यहाँ पर, जो कृष्णागिरी करके है, वहाँ से ये पटरी गई है, जैसे यहाँ से स्ट्रेट चलते जाना है और वहाँ पे डियर है। चलो देखते हैं। इट्स टू डिफिकल्ट यार, इट्स टू रिस्की। Yes. Will you help me? Yeah. Come.
थैंक यू। हाँ चलो ओके आराम से, कोई बात नहीं, आ जाओ, रुको रुको पैर, कुछ नहीं होगा, रुक जाओ मैं आके जाती हूँ। उसको लग रहा है वो टूटा हुआ है ना, देन चलो आ जाओ, इस पर पैर रख, इस पे हाँ, एक आगे कम कम कम, यस यू कैन डू इट, थैंक यू सो मच। हाँ उसके ऊपर ही रखो, हाँ कमान कमान, देखा आ गए ना, थैंक यू बोलो दीदी को, मोस्ट वेलकम। अच्छा टास्क था यार वो आने का, सो गाइस मैं आप लोग को बाय वॉक लेकर जाना चाहती हूँ बोरीवली रेलवे स्टेशन। तो जैसे हम लोग एग्जिट लेंगे ये रोड क्रॉस करके उस साइड अपोजिट साइड, तो आप लोग को उसके सामने एक मंदिर देखने को मिलेगा, वही रास्ता पकड़ के आप लोग को सीधा जाना है, एकदम स्ट्रेट चलते ही जाना है। जैसे ये चार वॉक देखने को मिलेगा तो हम लोग वहाँ से आए और यहाँ से जस्ट लेफ्ट लेंगे, एकदम एंड में आना है, मतलब कुछ 10 मिनट का वॉकिंग है, वहाँ से आप लोग को रेलवे स्टेशन देखने मिलेगा। आई होप आप लोग को मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।